सो फ्रेंड, आज मेरे पास गेमिंग रिव्यू के लिए रेडमी 9 है। इस डिवाइस में मैं आप लोग को टू हैवी गेम्स प्ले करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये डिवाइस गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है और आप लोग को ये डिवाइस गेमिंग के लिए परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो ध्यान से देखिए इस पूरी वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यस, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, मैंने अपना फर्स्ट गेम फॉर्टनाइट लीजेंड्स ऑन कर लिया है और चलिए मैं आप लोग को इस गेम को इस डिवाइस पर प्ले करके दिखाता हूँ। मैं आप लोग को इस गेम को लो ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे हाई ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करने की कोशिश की तो ये डिवाइस इस गेम को हैंडल नहीं कर पा रहा था और ये ऑटोमेटिकली क्रैश करके एग्जिट कर रहा था, इसलिए मैं आप लोग को इस गेम को लो ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। और लो ग्राफिक्स में आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लो ग्राफिक्स पर होने की वजह से आप लोग को जो कलर्स है वो डल देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करूं मैं इसके परफॉर्मेंस की तो वो मुझे ठीक ठाक तरीके से देखने को मिल रहा है। इस डिवाइस पर आप लोग को 6.53 इंच की काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इस डिवाइस पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आप लोग को डिस्प्ले से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें जिस प्रोसेसर का यूज़ किया गया है वो है मीडियाटेक हीरियो G25, जो कि पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। तो अगर आप इस डिवाइस का नॉर्मल यूज़ करेंगे तब तो ये ठीक है, बट अगर आप इस डिवाइस पर हैवी गेमिंग करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका प्रोसेसर उस लेवल का पावरफुल नहीं है कि आप इसमें हैवी गेमिंग कर पाएँ। इस डिवाइस पर आप लोग को दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 2GB रैम 32GB रोम और 3GB रैम 32GB रोम। मैं आप लोग को जिसमें गेमिंग टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ये 2GB वाला वेरियंट है। इस गेम के बाद मैं आप लोग को PUBG मोबाइल प्ले करके दिखाने वाला हूँ तो आप उस गेम का भी परफॉर्मेंस देख पाएंगे। इस डिवाइस पर आप लोग को बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि इसमें आप लोग को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। तो लो ग्राफिक्स सेटिंग पर तो ये गेम ठीक तरीके से रन हो पा रहा है, हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर अगर आप प्ले करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक गेम क्रैश करता है, बट लो ग्राफिक्स सेटिंग में यह ठीक तरीके से रन हो पा रहा है। चलिए अब मैं आप लोग को अपना नेक्स्ट गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपना सेकंड गेम पबजी मोबाइल ऑन कर लिया है और इस डिवाइस में आप लोग को इस गेम का मीडियम ग्राफिक्स तक का ऑप्शन मिल जाता है, बट मैंने इस गेम को मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग पर प्ले करके देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, इसलिए मैंने इस गेम को लो ग्राफिक्स सेटिंग पर सेट कर लिया है। और अब चलिए मैं आप लोग को इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, लो ग्राफिक्स पर होने के बाद भी इस गेम पर काफ़ी ज़्यादा लैग है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप है और उस वजह से मैं इस गेम को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप इस डिवाइस पर पबजी मोबाइल प्ले करना चाहते हैं लो ग्राफिक्स सेटिंग पर भी, तब भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होगी और आप इस गेम को अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आप लोग को अभी ये गेम ठीक तरीके से रन होते हुए नज़र आ रहा होगा, बट जैसे ही कोई एनिमी आपके सामने आएगा ये गेम इतना ज़्यादा लैग करता है, इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है कि आप इस गेम को बिल्कुल भी अच्छे से प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ये डिवाइस गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कोई एनिमी आपके सामने आएगा तो ये गेम इतना ज़्यादा लैग करता है कि आप इस गेम को बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये काफ़ी ज़्यादा लैग किया और इस वजह से मैं यहाँ पर किल हो चुका हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ, इस डिवाइस के बारे में मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूँ वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि इस डिवाइस का बुराई करने से मुझे कोई बेनिफिट तो है नहीं, इसलिए मैं आप लोग को जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आप मुझे सेंसलेस कमेंट करके ये ना बोलिएगा कि आप इस डिवाइस पर काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग कर पाएंगे।
बात करूँ मैं इस डिवाइस के बैटरी बैकअप की, तो इसमें आप लोग को काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोग को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। मैं काफ़ी टाइम से इस गेम को इस डिवाइस पर प्ले कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को एसपोर्ट 9 लेजेंड्स भी प्ले करके दिखाया है, तब भी इस डिवाइस की जो बैटरी है वो काफ़ी कम डिक्रीज हुई है, तो इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गेम फिनिश हो चुकी है। और बात करूँ मैं इस डिवाइस के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। मैंने आप लोग को इस डिवाइस पर 2 गेम्स प्ले करके दिखाए हैं, एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स और पबजी मोबाइल। दोनों ही गेम मैंने लो ग्राफिक सेटिंग पर प्ले किए हैं, पर उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। दोनों ही गेम पर काफ़ी ज़्यादा लैग थे, फ्रेम ड्रॉप थे, और खासकर पबजी मोबाइल पर तो बहुत ही ज़्यादा लैग और फ्रेम ड्रॉप था, और उस वजह से मैं उस गेम को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा था। तो मैं आप लोग को क्लियरली बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस डिवाइस को नॉर्मल यूसेज के लिए परचेस करना चाहते हैं तब तो ये ठीक है, बट अगर आप इस डिवाइस पर गेमिंग करना चाहेंगे तो उसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होगी, और ये डिवाइस गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोग को इसके सारे ही डिटेल्स बता दिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।